सोलन में बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन की बैठक के बाद कार्यकर्ताओं के लिए विश्राम गृह में भी भोजन की व्यवस्था की गई और सरकारी मशीनों का भी दुरुपयोग किया गया। सोलन में बीजेपी ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन को लेकर बैठक का आयोजन किया और खाने की व्यवस्था सरकारी रेस्ट हाउस में की गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी मशीनों का जमकर दुरुपयोग किया। बैठक का आयोजन भाजपा के कार्यालय में किया गया। बैठक समाप्त होते ही सभी कार्यकर्ता विश्राम गृह पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। सती ने बीते हुए माह पत्रकार वार्ता में कहा था कि 23 दिसंबर को पुलिस ग्राउंड में होने वाले पन्ना प्रमुख में सरकारी मशीनरी व सरकारी कर्मचारियों का कतई प्रयोग नहीं किया जाएगा। सती ने यह भी कहा था कि यदि ऐसा करते हुए कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता या नेता पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष जतिन साहनी ने भाजपा के इस कृत्य को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख कार्यक्रम सोलन में होने जा रहा है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने जो बैठक की और जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सोलन रेस्ट हाउस में जो कार्यकर्ताओं को खाना खिलाया गया, वहाँ के कर्मचारियों और सारे सरकारी रेस्ट हाउस का दुरुपयोग किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष के आदेश के बावजूद भाजपा जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर दिया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एन स्टार न्यूज के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।